अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये चोरनी का जो है रोना धोना देखें, ये किस तरह रोती है, देखें ये अपनी कहानी किस तरह बता रही है और इसे मजा आ रहा है। ये खुद इस तरह की चीजें जो करती है और इस तरह की वीडियो इसके पास है बहुत सारी लोगों की और इसे खुशी होती देख के। तो इसकी इसकी अब बातें सुने कि मेरी कौन कौन सी वीडियो इनके पास है, या अल्लाह ये वीडियो कभी तो रिलीज करवा दे। देखें, मुझे दोनों दफा जब अरेस्ट किया था तो किसी खातून ने अरेस्ट नहीं किया, लिटरली मुझे मर्दों ने अरेस्ट किया। और ये भी मैं बता दूं कि ये कहानियां मैं कभी कौम के सामने जरूर लाऊंगी कि नैब ने मेरे साथ इन्होंने क्या सलूक किया, कहाँ इन्होंने कैमरास लगाए हुए थे, क्या क्या ये करते थे। रात को 12 बजे ये मेरे कमरे पे मर्द जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो धावा बोलते थे और मेरी वीडियोस बनाते थे, इनके पास वो वीडियोस मौजूद हैं। और एक दफ़ा मैंने थोड़ा सा, जब ये 12 बजे मेरे कमरे में रेड के लिए आए तो खिड़की से मैंने देखा कि उस वक्त के लाहौर के जो डीजी नैब थे वो बाहर अंधेरे में छुप के खड़े थे और उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को भेजा रात को 12 बजे मेरे कमरे पे रेड करने के लिए। मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर मैंने जबान खोली कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया तो बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन वो बात जब मैं करूंगी कभी बेहतर वक्त आया। और वो इसलिए नहीं करूंगी कि वो मेरे साथ गुजरा, इसलिए करूंगी कि मैं कौम के सामने ये रखूं कि ये किस किस्म के किस कमाश के लोग थे। तो व्यूअर्स, देख लिया ये इनका रोना धोना, तो इसका जो है मकार औरत का जो है जारी रहेगा, लेकिन अब कौम को बड़ा इंतजार है बेसब्री से कि ये वीडियो कब आएंगी, क्योंकि ये वीडियो बड़े काम की और ये खुद बता रहे कि वीडियोस हैं और इसने खुद बनवाई होंगी, क्योंकि इसे मजा आता है ऐसी चीज़ों में, क्योंकि इसका पेशा ही यही है, हर इनके पूरे खानदान का पेशा ही दो नंबरी है, ये देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।